सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरलस्ट अनुज। सबको सलाम नमस्ते जोहार। जैसे वीडियो का टाइटल और थंबनेल से आप लोग जान ही गए होंगे, टाइम हो चुका है 3:21। और जनरली इस टाइप का वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, बात है अपनी रांची की तो बनाना पड़ेगा। और ऐसे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो तो आप लोग जानते होंगे, और जितने लोग फॉलो नहीं करते हो तो भाई एकदम झट से फॉलो कर लो। सो अभी सबसे पहले मैं जा रहा हूँ साहिल भाई को लेने। तो मैं बताता हूँ कि जो काटा टोली फ्लाईओवर है बहुत जल्दी ये शुरू होने वाला है, मोस्ट अवेटेड बोलेंगे, बेसब्री से हम लोग का इंतज़ार था जिसका, क्योंकि मुझे याद है 2017-18 से ही बनना शुरू हुआ था फ्लाईओवर काटा टोली वाला, जब रघुवर दास का सरकार था, वो सीएम थे, तब से बनना शुरू हुआ था। और फिर 19 में जब जेएमएम आया, फिर थोड़ा कुछ दिन के लिए काम रुक गया, तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट 7-8 साल जैसा हो गया है। और फाइनली अब बन के तैयार होने वाला है। कितना सारा रील्स बना उसमें, उस काटा टोली फ्लाईओवर में सब बोलता था अरे भाई अब तो बन जा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेसब्री अब आप लोगों का टूटने वाला है। साहिल भाई कहाँ गया? तो ये हमारा साहिल भाई है, चलिए बैठिए। अरे पहुँच गया है? नहीं निकला अभी, खाते से 5 मिनट। अच्छा। सो अभी मैं हूँ इधर जेवियर स्कूल तरफ, डोरंडा में हूँ। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बहु बाजार जा रहे हैं, जहाँ से फ्लाईओवर शुरू होता है और काटा टोली में ख़त्म होता है। अगर आप उधर से आ रहे हो तो उधर से आपका शुरू होगा, काटा टोली तरफ से बहु बाजार में ख़त्म होगा। तो बात है कब, 28 तारीख का हमको सबसे पहले आरिफ का, आरिफ भाई ने मेरे को कॉल किया था सबसे शुरू में। आरिफ भाई ने बोला कि ड्रोन, वहाँ का ड्रोन फुटेज लेना है सर, मांग रहे हैं, तो इसलिए फिर मैं गया था वहीं पर। ड्रोन उड़ाने गया था उस दिन, फर्स्ट दिन था, उस दिन मतलब इनकम्प्लीट था, पुनः बना नहीं था, क्योंकि जो पहला डेड लाइन था वो था 30 सितंबर था, आई थिंक 30 सितंबर से डेट पोस्टपोन्ड हो गया। आज है वैसे 1 अक्टूबर, कल 2 अक्टूबर है, तो मे भी ऐसे मुझे पता चला है कि 3 या 4 को होगा, जब हमारे सीएम साहब हेमंत सोरेन जी जब फ्री रहे तो 3 या 4 को शायद ओपन हो जाएगा सबके लिए, आम पब्लिक लोग के लिए। उस दिन उद्घाटन होगा, इनोग्रेशन उस दिन है। सबसे पहले वहाँ पहुँचते फ्लाईओवर, उसके बाद फिर वीडियो। आज ही मुझे ड्रोन शॉट लेना है, क्योंकि आज थोड़ा कंप्लीट हो गया और कुछ बैनर है वो सब का आज रिकॉर्ड करना है, उसके बाद मुझे इनोग्रेशन का भी ड्रोन शॉट लेना है। और ये रहा एक और फ्लाईओवर, ये भी ऑलमोस्ट रेडी ही है, देख सकते हो, ये है आपका मैकॉन से सीरम टोली तक। पर बीच में बस एक जगह नहीं बना है, यहाँ पर जहाँ रेलवे का लाइन गया है वहीं पर अभी नहीं बना है, बाकी ये भी कम्प्लीट ही है। तो अब हम लोग को जाम से बहुत राहत मिलने वाला है बहुत जल्द। कितना भयानक जाम लगता था काटा टोली में। अभी इसका भी फुटेज निकालेंगे। किसका? ये वाला का ये वाला का थोड़ा सा हमको लगता है ना, यहाँ ड्रोन नहीं उड़ेगा शायद, एयरपोर्ट यहाँ से बहुत नज़दीक है। ये वाला फ्लाईओवर बन जाएगा ना तो इसका लुक, मतलब लुक बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग का जिधर डोरंडा एजी मोड जो हम लोग रहते हैं इधर, टाइम बचेगा बहुत, उन लोगों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगा। फिर इसका लोकेशन इसलिए अच्छा लगता है ना, क्योंकि देखो नीचे भी ब्रिज है, सबसे ओल्ड फ्लाईओवर है ये, उसके बाद से ये ऊपर भी देखो फ्लाईओवर है, और यहाँ से फिर ये ऐसे कट जा रहा है इधर, तो यहाँ का ड्रोन फुटेज बहुत अच्छा लगेगा। और ये फ्लाईओवर में जाने में भी बहुत मज़ा आएगा, मुझे तो ये फ्लाईओवर का इंतज़ार है। हाँ काम बाकी है, काम चल रहा है, ये देखो यहाँ से इधर चल गया वो, यहाँ का ड्रोन शॉट कितना अच्छा लगेगा। तो यहीं पर काम अभी खाली बाकी है, ये रेलवे लाइन इधर है देख सकते हो, ये ब्रिज और ये, इसमें अभी काम टाइम है, इसमें अभी हमको लगता है कि नया साल तक ये रेडी होगा, टाइम लगेगा इसमें। स्ट्रीट लाइट भी लगा दिया देखा? हाँ स्ट्रीट लाइट भी, परसों आए थे तो हम लोग स्ट्रीट लाइट नहीं लगा हुआ था। कितना सुंदर लग रहा है। सो देख लो, ये है काटा टोली फ्लाईओवर, यहाँ से बहु बाजार से स्टार्ट होता है, सीरम टोली या बहु बाजार बोलो, किधर से जाना हम लोग को, तो हम लोग को परमिशन है जाने का, बाकी लोग को नहीं है, हम लोग VIP लोग हैं ना। सर बुलाया है। देखो जहाँ तक पहले मुझे पता था कि ये जूडिको करके कंपनी है वो इसको बना रहा था, अभी देखो यहाँ लिखा हुआ है DRA, तो दिनेश चंद्रा करके है, दिनेश चंद्रा का बोला जाने। सो
सो अभी चालू नहीं है हम पब्लिक लोग के लिए, देख लो कितना अच्छा लग रहा है फ्लाईओवर। बस थोड़ा सा झाड़ू हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। हम लोग आए थे 28 तारीख को, तो ये सब बॉर्डर नहीं था पहले। उस दिन का भी ड्रोन फुटेज आप लोग देख सकते हो, बहुत काम बाकी था उस दिन। आज बहुत कंप्लीट हो चुका है, सो देख लो क्या भयानक काम चल रहा है जल्दी जल्दी। और फ्लाईओवर ऐसा ना, आप लोग अगर पहले वाला रोड देखे होगे नीचे नीचे जब हम लोग जाते थे, तो बीच में रोड ऐसा बहु बाजार साहब नीचे देखोगे तो थोड़ा रोड ऐसा डाउन होता था, तो यहाँ भी वही सिस्टम है। यहाँ से आपको देखो फ्लाईओवर चढ़ने के बाद यहाँ से रोड थोड़ा नीचे गया हुआ, फिर ऊपर है, उसके बाद फिर हम लोग उतर जाते हैं उधर। देखो यहाँ से ऐसा डाउन है, मतलब नया टोली के पास आसपास यहाँ डाउन है, फिर ऐसे थोड़ा सा हाइट फिर गया है, उसके बाद काटा टोली पार होता है। और ये जो पूरा लेंथ है इसका ब्रिज का 2.4 किलोमीटर है, लेकिन इसमें चलने वाला पैसेज नहीं बना हुआ, आप लोग देख सकते हो। ये एक तो चीज़ है, आप इसमें साइड में मुझे तक जहाँ तक आइडिया है इसमें रुक नहीं सकते हो, क्योंकि इतना गाड़ियाँ चलेगी तो पार्किंग आप करके फ़ोटो सोचो खिंचाओगे वही सब नहीं कर पाओगे, क्योंकि रुकने के लिए वैसा है नहीं, पैदल चलने वाला है नहीं जगह। तो ये है आरिफ भाई, यही हमको कांटेक्ट किया था। यहाँ यह है, अभी कॉलेज से भाग के आ गया। मैडम को धोखा दे गया, पढ़ाई छोड़ के आ गया, बोला कि आ रहे 10 मिनट में, आ गया इधर। एक्चुअली यही सर से कांटेक्ट करता है, जो DRA का सर है, जो बोले हैं फ़ोटो लेने के लिए। सो हम लोग जा रहे हैं ब्रिज का भी बीच में जा रहे हैं, वहाँ से पैनानोरमा फ़ोटो लेना है भाई, वैसा फ़ोटो कि थोड़ा सा पूरा लंबा ब्रिज दिखे। यहाँ से ठीक आएगा ना? नहीं, यहाँ ठीक है, यहाँ इधर भेजेंगे, इधर तब लंबा दिखेगा ब्रिज। हाँ हाँ, इधर या उधर दोनों तरफ भेजेंगे। नहीं उधर तो ज़्यादा नहीं भेज सकते, उधर भेजेंगे ना तो बिल्डिंग से कट जाएगा रोड, रोड कटना नहीं चाहिए, लंबा ना दिखना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए एयरपोर्ट का आ रहा, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का, इसको कभी मैं किया नहीं हूँ, यहाँ पर इसको कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। हाँ, ड्रोन 5 किलोमीटर में नहीं ना उड़ता है एयरपोर्ट से, यहाँ भी आता है लेकिन उड़ तो जाता है, लास्ट टाइम उड़ गया था। तो आई थिंक हमको लगता है ये बीच में हो सकता है ब्रिज का, क्या कि 2.4 किलोमीटर है, तो पता नहीं नापेंगे मतलब कितना किलोमीटर चलेंगे तब एग्जैक्ट पता चलेगा। सभी हम लोग यहाँ कुछ शॉट लिए, ये सब शॉट आप लोग देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। आज वैसे बोला गया है DRA कंपनी से कि आज सिर्फ फ़ोटो लेना है, तो वीडियो मैं नहीं ले रहा हूँ, फिर भी कहीं कहीं रिकॉर्ड कर लिया हूँ फुटेज भी। ये सब जब खाली पूरा हो जाएगा ना तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये सब अभी पड़ा हुआ है तो मज़ा नहीं आता, क्लियर नहीं दिखता। बीच में आपको लोग अगर आते हो तो ऐसा प्लांट भी आप लोग को देखने को मिलेगा, पर आप लोग जब गाड़ी चलाते हो तो बीच में रुकना मत और तोड़ना मत, ये सब घर मत ले जाना। देखो कितना अच्छा प्लांट भी लगाया गया है, 100 प्लांट सब है, कितना अच्छा 100 प्लांट सब है। बहुत चील रहता है, मेन डर लगता ना कि बहुत चील है इस एरिया में। मैं आप लोग को दिखा रहा था 100 प्लांट, सो देख सकते हो ये गिरे नहीं, उसके सेफ्टी के लिए कैसा यहाँ टाइट किया गया है स्क्रू से, देख सकते हो प्लेट लगा के ऐसा, तो ये गिरेगा नहीं। इधर भी आई थिंक सो, इधर भी है देख सकते हो। ये कौन सा पौधा है? नाम तो हमको भी नहीं पता, 100 प्लांट तो है सब, लेकिन जो भी है एक के बीच में अलग डिफरेंस है। हाँ डिफरेंस तो है, हाँ ये भी चीज़ है। यहाँ देखो यहाँ दूसरा है, फिर यहाँ पर दूसरा है, फिर वहाँ दूसरा है, इस टाइप से डिफरेंट है। इसमें ये वाला में सब सेम है, वो वाला में सब सेम है, इस टाइप से भी आ गए काटा टोली चौक। काटा टोली भी दिखा देते हैं, भयानक जाम पब्लिक लोग। अब कुछ दिन और 2-4 दिन फिर राहत मिल जाएगा काटा। देखो काटा टोली, इतना शोर, बाप रे कितना शोर हो रहा है। और इस साइड अब इधर है नामकुम जाने वाला, उधर भी दिखा ही देते हैं, फिर तो ब्रिज में रुक नहीं पाएंगे, ऐसा ब्लॉग रुक सकते हैं लेकिन ऐसा। इधर हो गया आपका नामकुम जाने वाला,
सो इस सब में देखो, अभी ये वाला जो गमला है ये सब में अभी खाली मिट्टी भरा हुआ है, पौधा नहीं लगा हुआ है। पौधा उधर से लगते आ रहा है काटा टोली तरफ से। बाकी अभी भी बहुत सारे वर्कर लोग हैं, काम तो चल ही रहा है। लेकिन होपफुली कि 4 तारीख को उद्घाटन हो जाएगा। हम लोग पहुंच गए बिशप स्कूल। आगे हमारे सर लोग भी जा रहे हैं कार से, आए हुए थे इंस्पेक्शन करने, कुछ कुछ देखने आए हुए थे। देखो कितना सारा प्लांट आया है, 100 प्लांट, ये सब भी, और ये सब गमला भी लगेगा इस साइड। देखो हमको लगता है इसी साइड से इनॉग्रेशन किया जाएगा, इसलिए इसमें ऐसा वाला गमला है, देख सकते हो आप लोग। वहाँ पर ऊंचा है इसलिए वैसा वाला गमला है, चौड़ा लंबा वाला, यहाँ पर ऐसा है कुछ। बाकी अभी इधर से एक फ़ोटो लेना है, ये साइड से बहु बाज़ार के पास से लेना है। बाकी वैसे बताया जा रहा है ओपनिंग है 4 तारीख को, पहले 30 तारीख को था पर काम कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इसलिए अब 4 तारीख को हो गया। यहाँ भी देखो कितना सारा गमला है इस साइड, इधर बहु बाज़ार तरफ है, इस साइड तो रोड लगभग बन गया है, काटा टोली तरफ थोड़ा सा बाकी है। और ये रहा हमारा इंडिया टायर, हेलमेट या जैकेट, राइडिंग जैकेट सब हम लोग यहीं से लेते हैं। देखिए सर इसमें ऐसा दिख रहा है, इसमें क्लियर है वैसे। हाँ ठीक है, इसमें काम चल रहा है। देखिए अनुज भैया मेहनत करते हुए सर को फाइल दे रहे हैं अभी। तो भाई देखो टाइम हो चुका है 6:15, फाइल कॉपी किया जा रहा है, सब चीज़ लेके चलना पड़ता है ऐसा। अभी थोड़ा बहुत लोग हैं, हाँ अभी टाइम लगेगा। ये रही मेरी बाइक, इधर नाइट का व्यू और अच्छा लग रहा है। अनुज भैया कितना जीबी का फाइल हुआ? 3.5 जीबी का। 3 जीबी का फाइल हुआ है। सो भाई आए थे तो हम लोग 3 बजे, टाइम हो चुका है 6:40। देख लो भाई एक बार नाइट का व्यू देख लो, स्ट्रीट लाइट का। चलिए तो घुमा लीजिए किरार का। नाइट व्यू कुछ ऐसा दिखता है आप लोगों को, बस दिखाने के लिए मैं घुमा ले रहा हूँ बाइक। ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, बहुत लेट हो गया है। सो अभी पूरा स्ट्रीट लाइट जला नहीं है, आधा दूर तक जला है, वो 3 तारीख को जल जाएगा पूरा, तब फिर मज़ा आएगा देखने में। लेकिन हम ना बोलेंगे नाइट वाला कैसे उड़ाएंगे जी, ड्रोन शॉट बोलता है, इतना कौवा हुआ पता भी नहीं चलेगा। तो भाई देखो आए तो थे हम, ऐसे ही आए थे एक, अभी इंडिया टायर से मैंने जैकेट भी ले लिया, लेट हो रहा है इसलिए मैं आप लोग को दिखा नहीं पा रहा हूँ, घर जाके दिखाऊंगा। देख सकते हो ब्लू सोलेस का मैं लिया हूँ, सोलेस का जैकेट। और अभी है ये सिरम टोली के पास, बस जल्दी से निकलते हैं। आए थे 3 बजे, टाइम हो गया है 7:30 होने वाला है, बहुत गाली मिलेगा आज भाई, क्या करता है जाता है। तो इतना आजकल रांची में जाम होने लगा है ना, पूछो मत। अच्छा है कि मैं एम्बुलेंस के पीछे हूँ, बस इसको छोड़ना नहीं है, जल्दी से निकल जाऊँगा। मैं बंद कर दिया, चलो भाई कान पक गया था वैसे सायरन सुनते सुनते। कभी कभी लोग भी बदमाश रहता है, पेशेंट नहीं भी रहता है ना तो भागने के लिए, जल्दी भागने के लिए बस बजा देते हैं, पेशेंट रहे तो चलो ठीक है। सो भाई कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को, ये ब्लॉग आप लोगों को, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और ऐसे मुझे 3 तारीख को एक बार और जाना है ड्रोन उड़ाने, नाइट व्यू लेना है। थोड़ा सा रात में लेना रिस्की हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि चिल बहुत रहता है और दिन में भी हम लोग को बहुत दिक्कत करता है चिल। तो मैं किसी तरह ऐसे ड्रोन छका के, तो ड्रोन को तो दिन में चलो दिख जाता, लेकिन रात में लेना ये बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, देखते हैं आप। चलो 3 तारीख को जाएंगे। बाकी मुझे जो डाउट था, जो डीएफओ या फिर डीआरए, जो मुझे डाउट था, तो जुडिको है ऐसा कंपनी जो एक कंसल्टेंट कंपनी है, वो टेंडर लेता है। और जैसे मुझे पता चला डीआरए एक ऐसा कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करता है, जो बनाता है उसको। तो ये है जो मुझे डाउट हो रहा था, जुडिको और डीआरए में डाउट हो रहा था। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आप लोगों को अपडेट देंगे, फिर आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सबको बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।